नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भलेराम मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिश्र भिन्नों का जोड़ किस तरह से किया जाता है इसके गणित हल किए थे, और उसी तरह प्रश्न संग्रह 10 जो है उसके भी मिश्र भिन्नों का जोड़ इसके गणित हल किए थे। अभी अगला भाग जो है वो है मिश्र भिन्नों का घटाव, यानी अभी मिश्र भिन्नों का घटाव किस तरह से किया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए देखो, उदाहरण लिया है मैंने 5 सही 1/2 ऋण 2 सही 3/4। अभी देखो ये मिश्र भिन्न है, जैसे हम लोगों ने जोड़ में किया था वैसी क्रिया करनी है। यहाँ पर भी मिश्र भिन्न जो है उसका रूपांतरण हमें अंशाधिक भिन्न में करना है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर हर और ये जो पूर्ण संख्या है इन दोनों का गुणा करो और उसमें जो अंश है उसको जोड़ना है। इसीलिए 5×2 जोड़ 1/2 ऋण, यहाँ पर 2×4 जोड़ 3/4, यानी 2×4 जोड़ 3/4। अभी यहाँ पर इनका गुना पहले करो, 5×2 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, इसलिए उत्तर आया है 11/2। यहाँ पर 4×2 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11/4, तो यहाँ पर भी 11/4 आया है। अभी देखो ये दोनों समहर भिन्न नहीं है, इसलिए इनका घटाव करते समय हमें इनका पहले समहर भिन्नों में रूपांतरण करना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर 11×4 ऋण 11×2/2×4, तो यहाँ पर इस तरह से किया है। देखो 11×4 यहाँ पर लिखा है 2/2, और 11×2/4 यहाँ पर लिखा है, और इसके बाद दोनों हर का भी गुना किया है 2×4। अभी देखो 11 × 44, 11×2 22, तो 44 ऋण 22, और यहाँ पर 4×2 8, तो 8/8, यानी 44 ऋण 22/8, तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये घटाव का चिन्ह है। उसके बाद अभी 44 में से 22 घटाने के हैं, तो उत्तर आएगा 22/8। अभी 22/8 जो है इसका मतलब होता है 22/8, तो अभी हमें इसका रूपांतरण मिश्र भिन्न में फिर से करना है, तो इसलिए भाग की क्रिया पहले करो। देखो 22 को 8 से भाग करना है, इसलिए 8 के भाड़े में 22 से छोटी संख्या 8×2 16, 22 में से 16 घटाए तो 6 बन रह गए, और भागफल आया 2, शेषफल रह गया 6। तो यहाँ पर उत्तर लिखते समय देखो यहाँ पर जो हर है वो उसका भाजक है, इसलिए हर वैसा ही 8 लिखा है। उसके बाद भागफल आया है 2 यहाँ पर लिखा है, और शेषफल आया है वो 6 वो अंश में लिखा है, और इसलिए उसका उत्तर आया है 2 सही 6/8। देखो इस तरह से दूसरा एक उदाहरण आपको भी बताती हूँ। देखो ये उदाहरण दूसरा है, 1 सही 5/7 ऋण 4 सही 3/4। अभी देखो इसको भी हम लोग पहले अंशाधिक भिन्न में रूपांतरण करेंगे, मिश्र भिन्न का रूपांतरण अंशाधिक भिन्न में करेंगे। तो देखो 1×7 1×7 जोड़ 5/7, देखो 1×7 जोड़ 5/7 ऋण, ऋण का चिन्ह वैसा ही लिखा है। देखो 4×4 जोड़ 3/4, देखो यहाँ पर 4×4 जोड़ 3/4। अभी देखो 7 × 1=7, 7 और 5 कितने होते हैं 12, इसलिए उत्तर आ गया 12/7 ऋण। उसके बाद 4 × 16, 16 और 3 कितने होते हैं 19, इसलिए उत्तर आया है 19/4। अभी देखो ये दोनों भी असमहर भिन्न है, इसलिए इनको समहर भिन्न में रूपांतरण करेंगे। तो देखो इसके लिए 12×4, देखो यहाँ पर लिखा है ऋण, ये ऋण का चिन्ह जैसा कि वैसा इधर लिखा है। अभी 19×7, यहाँ पर 19×7 लिखा है, 7×4, यहाँ पर 7×4 लिखा है। अभी देखो 12×4 मतलब कितने होते हैं 48 ऋण, 19×7 मतलब 133 7×4 7 × 28। अभी देखो यहाँ पर हर तो इनका समान हो गया, अभी इनका घटाव करना है, तो बड़ी संख्या 133 में से 48 घटाना है, तो उत्तर आएगा 85 85/28, और यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का है, इसलिए उत्तर में ऋण 85/28। अभी ये हो गया उसका अंशाधिक भिन्न, अभी इसका रूपांतरण मिश्र भिन्न में करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है देखो 85 को 28 से भाग करना है, इसलिए 28 × 3=84 होते हैं, 85 में से 84 घटाए तो 1 आएगा, तो फिर यहाँ पर भागफल 3 आया, शेषफल 1 आया है, इसलिए उत्तर आया है 3 सही 1/28। और देखो यहाँ पर घटाव का चिन्ह था, इसलिए वो घटाव का चिन्ह जैसा कि वैसा दे दिया है।
तो इस तरह से आप लोगों को ये घटाव के जो उदाहरण है, दो उदाहरण मैंने किताब के बाहर के ले लिए थे और वही उदाहरण मैंने आपको हल करने के लिए दिए हैं। तो अभी देखो, ये उदाहरण करने के बाद हम लोगों को ये जो प्रश्न संग्रह, ये जो प्रश्न संग्रह 10 है, तो इस प्रश्न संग्रह 10 में प्रश्न दूसरा जो है, इसमें जो चार गणित दिए हैं, ये चारों के चारों गणित जो है, प्रश्न दूसरे के चारों गणित जो है, वो आप लोगों को जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में बताया है उसी तरह हल करने की प्रयास करने का है। तो इस तरह से ये प्रश्न संग्रह 10 के चार उदाहरण आपको करने के हैं, वीडियो को बार बार देखने का है और फिर आप लोगों को हल करने का प्रयास करने का है। क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न संग्रह 10 के ये जो शाब्दिक उदाहरण जो है वो उसमें से कुछ उदाहरण हल करके दिखाने वाली हूँ और बाकी के आपको खुद करने पड़ेंगे। धन्यवाद।